रुक रुक के ना देख, 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 रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, देख बिना ब्रेक। मोटर व्हीकल एक्ट से बचने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हुए लोगों को तो आपने देखा ही होगा, लेकिन इस मोपेड के मालिक जैसा तरीका आपने कभी नहीं देखा होगा। ये मामला है सूरत के उमरा इलाके का, जहां इस मोपेड के मालिक राजेंद्र शाह ने कई बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया, लेकिन वो कभी पुलिस के हाथ नहीं लगा। दरअसल शाह ने अपने वाहन के नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसकी वजह से वो अब तक सूरत पुलिस के शिकंजे से दूर था। सूरत शहर में ट्रैफिक का उल्लंघन करने पर घर पर ई मेमो आता है, जिसे कुछ समय में चुकाना होता है, और ऐसा ही हुआ शाह के साथ, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। सूरत पुलिस और ई मेमो से बचने के लिए मोपेड के नंबर के साथ छेड़छाड़ कर बिना हेलमेट के शहर में सैर करता रहा। काफी जद्दोजहद के बाद अब इस मोपेड का मालिक सूरत पुलिस की गिरफ्त में है। इस मामले पर आइए जानते हैं कि डीसीपी का क्या कहना है। पूरे सूरत सिटी में पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें एनफोर्समेंट की कामगिरी ई चलन द्वारा चलती है। ई चलन की कामगिरी करते हुए हमारे ध्यान में ये आया कि कुछ वाहन चालक अपने व्हीकल के नंबर में छेड़ती करते हैं। ऐसा एक मामला हमारे जो हेड कांस्टेबल वहाँ पे बैठते हैं उनके ध्यान में आया, जिसमें एक एक्टिवा जिसका नंबर GJ05LN9540 था, जिसमें उन्होंने यल का सी कर दिया और फाइव को सिक्स कर दिया, जबकि नंबर बना GJ05CN9640, जो कि उसमें फोर्जरी का मामला आता है RTO द्वारा दी गई नंबर प्लेट में। इसलिए हमने उमरा पुलिस स्टेशन में एक्टिवा चालक के और मालिक के खिलाफ 465, 471 और 420 के तहत गुनाह दाखिल किया है और आगे कार्रवाई चल रही है। सर, ये पूरा ध्यान में कैसे आया कि ई मेमो भेजा जाना था, नंबर मैच नहीं हो रहा था, क्यों कैसे है? इस केस के बारे में ध्यान आने का कारण ये था कि जब हमने नंबर सर्च किया, जो छेड़ती किया हुआ नंबर था, तो वो नंबर एक फोर व्हीलर का निकला और गाड़ी तो टू व्हीलर थी, तो हमने चेक किया कि किसने जानबूझकर गलत नंबर प्लेट तो नहीं लगाई। फिर हमारे ध्यान में आया कि ये नंबर तो LN है, जब जिसको CN किया गया है, इसकी इस तरह से ये मामला हमारे ध्यान में आया। कई मामले ऐसे भी आ रहे हैं अभी धीरे धीरे कि जिसमें हमने किसी को ई चलन भेजने के बाद उसने बताया कि ये वाहन तो मेरे पास है ही नहीं, जब हमने नंबर चेक किया तब हमें पता चल गया कि ये नंबर तो चेंज करके दूसरे के नाम से हम ई चलन भेज रहे हैं। भारी भरकम रकम से बचने के लिए अपनी सुरक्षा दांव पर लगाना कहां की समझदारी है, आपके जानकर हैरान रह जाएंगे कि सूरत शहर में ऐसे कई वाहन चालक हैं जो ई मेमो से बचने के लिए ऐसी कई कोशिशें कर रहे हैं। सूरत से संजय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट, गुजरात तक।